हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। तो मैं आ गई हूँ आपका लिए एक नया फ्रेश सा ब्लॉग लेकर। और आज तो आने का कोई मूड नहीं था, बट आ गई आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को बहुत 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 ईद उल अज़हा मुबारक हो। और आप लोग किस तरह से मनाया आज का दिन, आप लोग ज़रूर बताएं। अभी तो 3 दिन बाकी है, 3 दिन हम लोग इन्जॉय करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं सोची चलो आज थोड़ा शीर कुर्मा बना लिया जाए और आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। तो आप लोग भी आइए, टेस्ट कीजिए ज़रूर इंशाअल्लाह। तो इसमें घी डाल दिया मैंने गरम करके, गरम हो गया था तो मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर ले रही हूँ। और बादाम जो है इसमें मैं जुलियन कट की हूँ। और ये देखिए, मैंने हल्का सा फ्राई करूँगी मैं इसे। आप लोग सोच रहे होंगे शाम में आप बना रहे हैं, तो हाँ मैं आज शाम में बना रही हूँ, सुबह में टाइम ही नहीं मिल पाया था दोस्तों। घर का काम, बच्चे हैं तो फिर गेस्ट वगैरह भी थे, तो इसलिए ना ब्लॉग शूट हो पाया ना कुछ कर पाई। तो चलिए अभी ही बना लेती हूँ। तो मेरा ये फ्राई हो जाएगा तो मैं ये निकाल लूँगी। और ये वाली सेवई मैं यूज़ कर रही हूँ, पतली वाली सेवई। तो देखिए, और आप लोगों की तरफ कैसा मना रहे हैं आप लोग, क्या मना रहे हैं आप लोग, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ज़रूर। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और आप मेरे नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो ये देखिए मेरा फ्राई हो गया है ड्राई फ्रूट्स, तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। मेरी प्यारी प्यारी बहनें, माताएं, सब घर में बनाएं और खाएं और खिलाएं और खुश रहें और हंसते रहें, हंसाते रहें, बनाते रहें, खिलाते रहें, हम लोगों का तो काम है। तो चलिए अब मैं इसमें डाल दूंगी सेवई। से तोड़ ले रही हूँ मैं। अब इसे फ्राई कर लें। ड्राई फ्रूट्स में दोस्तों काजू था, बादाम थे, छुहारे थे, छुहारे ज़रूर डालें। और कलौंजी है तो ज़रूर ऐड करें। शीर कुर्मा में, शीर कुर्मा की जान होती है कलौंजी। मुझे तो नहीं मिला तो मैं नहीं डाल रही हूँ, आप लोग ज़रूर डालें। और बेटी मेरी सो रही है अभी, लड़के मेरे अभी खेल रहे हैं। ये देखिए मेरा भून रहा है अभी। बहुत ही इजी है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, घर में सब चीज़ अवेलेबल होता ही है ये। तो आप बनाएं, बहुत अच्छी डिज़र्ट है, बहुत अच्छा है, आप लोग कभी भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं ईद में या फिर दिवाली में, कभी भी बना सकते हैं इसे। तो ये मेरा सेवई अब भूनने लगा है, इस
इसे मैं करती हूँ कम। कुकर को रख देती हूँ यहाँ पे। अरे देखिए मेरे ग्वावास मैंने धो के इसे रखे हैं, बहुत धोकर रखती हूँ आजकल। और ये दूध थोड़ा मैं निकाल ले रही हूँ, ये देखिए ये 1.5 लीटर के करीब दूध है, बॉइल्ड है। और ये हो गया है मेरा सेवई, भुन चुका है, तो अब इसे मैं कर दूंगी बंद और दूध पर करती हूँ फोकस। तो दोस्तों दूध को गाढ़ा करना है, गाढ़ा करिए या फिर इसमें मिलाइए आप मिल्कमेड, मिल्कमेड में डालिएगा तो जल्दी से ये गाढ़ा हो जाएगा। कंडेंस्ड मिल्क है ये, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूध को गाढ़ा करिए, थोड़ा लेट लगेगा फिर भी कोई बात नहीं, टेस्ट सेम आएंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ अपने हिसाब से, ये देखिए दोस्तों मैं इसमें मिला दी हूँ। अगर आप ये कंडेंस्ड मिल्क मतलब मिल्कमेड मिलाएं तो शुगर को हिसाब से डालें, क्योंकि ये मीठा होता है दोस्तों। अब इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर करके, अच्छा सा पाउडर नहीं हो पाया है, तो मैं जब ये मिल जाएगा इसका टेस्ट, इसमें आ जाएगा फ्लेवर, तो मैं इलायची को निकाल लूँगी दोस्तों। देखिए साइड साइड से अब इसमें डाल दें ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई करके रखे थे। मैं आधा भी डाल रही हूँ, आधा ऊपर से गार्निश करूँगी। मिला लें शुगर, मैंने मिला लिया, अब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी है, तो अब मैं इसमें मिला लूँगी मैं सेवई। मिलती हूँ आपसे सेवई डालकर इसमें। तो दोस्तों ये देखिए मैंने इसमें सेवई डाल दिया है, अब इसे 2-4 मिनट तक ही पकाएंगे, उसके बाद फिर बंद कर देंगे। ये रहेगी हमारी कंसिस्टेंसी, देखिए बहुत ही टेस्टी बनती है ये शीर कुरमा। ईद बकरीद की जान हमारी शीर कुरमा। और दोस्तों बर्तन आज दिन भर धो धो कर हालत ख़राब है, ये देखिए फिर इतने बर्तन बचे हैं अभी धोने के लिए, फिर मैं इसे धोऊंगी। और मेरी बेटी भी उड़ गई है, अब वो रो रही है। तो दोस्तों ये बन गई है हमारी शीर कुरमा। अब मैं इसमें बचे हुए जो ड्राई फ्रूट्स हैं
वो डाल दूंगी। ये देखिए डन। तो आ जाइए आप लोग भी, शेयर करके खाते हैं और इंजॉय करते हैं शीर कुरमा। और मिलाती हूँ मैं अपनी बेटी से आपको। ये देखिए ईद मुबारक माहम, ईद मुबारक बिटू माहम बिटू। ठीक है दोस्तों, तो आज बस आज के लिए बस इतना ही। तो आप ये इंजॉय कीजिए शीर कुरमा और बताइएगा कि कैसा बना। प्लीज़ बनाइए, प्लीज़ खाइए। और फिर आगे का काम मैं करूँगी, तो बंद करती हूँ अपने कैमरा को। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ इंडियन ब्लॉगर गौसिया में। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और दुआ में याद रखें, हमारे लिए भी मैं, आप लोगों के लिए भी मैं दुआ करूँगी। अल्लाह हाफिज़।